हाय गाइस, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल नेचुरल ब्यूटी वर्ल्ड पे। कैसे हैं आप सब? काफी टाइम से बोल रहे थे कि मैम ये बताइए कि एचडी मेकअप और नॉर्मल मेकअप में क्या फर्क होता है। एचडी मेकअप होता है हाई डेफिनेशन मेकअप, ये हमारी स्किन की हर प्रॉब्लम को क्लियर करता है और बहुत अच्छा लुक देता है। हमारी फाइन लाइन्स होती है, ब्लैमिश होती है, पिगमेंटेशन होती है, सबको कवर कर देता है और बहुत ज़्यादा हाई कवरेज देता है और काफ़ी अच्छा मेकअप लुक करता है। आप देख सकते हो मैंने आज अपनी स्किन पे कोई कंसीलर कुछ भी यूज़ नहीं किया है और मैंने PSC की फाउंडेशन ही लगाई है, कोई कंसीलर नहीं दिया है। बट ऐसा नहीं है कि आप कंसीलर यूज़ नहीं करेंगे, आप कंसीलर यूज़ करेंगे और अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो HD के ही कंसीलर, HD के ही कलर कैरेक्टर और HD की ही फाउंडेशन ले सकते हैं, जिससे कि आपका मेकअप और ज़्यादा अच्छा देगा और बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। और इसमें जो कंटूर करते हैं हमें वो बहुत गहराई में करते हैं, जो कि हमारे फीचर्स को बहुत निखार देता है। इसमें मैंने आपको HD का मेकअप भी दिखाया, अगर मेरी स्किन भी देख सकते हैं, मेरी स्किन अनइवन स्किन टोन है, यहाँ पर भी पिगमेंटेशन है, बट आज मैंने कुछ भी नहीं किया है, खाली PSC का फाउंडेशन यूज़ किया है और उसी का कॉम्पैक्ट यूज़ किया है। ये सभी प्रोडक्ट आते हैं HD के जिन पे लिखा होता है HD मेकअप। HD प्रोडक्ट लेंगे तो HD बोलेंगे तो ही आपको मिलेंगे कि मुझे HD प्रोडक्ट चाहिए। और HD प्रोडक्ट के नाम बताने से पहले कहूँगी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। तो मैं आपको बताऊँगी HD में कौन कौन से आते हैं। HD में आप क्रायलॉन के ले सकते हैं, PSC के भी ले सकते हैं आप HD में। PSC की रेंज काफ़ी अच्छी है जो मैंने इस टाइप की दिखाई, और मैंने नंबर यूज़ किया है 30 नंबर यूज़ किया है PSC का। और इसमें आप मैक में भी मिल जाएंगे आपको, और LA गर्ल में भी, ला गर्ल में भी मिल जाएंगे, उसकी रेंज भी काफ़ी अच्छी है। और फेयर स्किन से लेके डार्क स्किन तक के सभी प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो आपको अगर HD प्रोडक्ट चाहिए तो HD ही बोलना पड़ेगा कि आपको HD प्रोडक्ट चाहिए, और नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल। हमें वहाँ पर जहाँ HD मेकअप करना है तो वहाँ पर हम HD प्रोडक्ट ही यूज़ करेंगे। आप चाहे तो उसमें आई शेडो ले सकते हैं, मेकअप बेस ले सकते हो, कलर कैरेक्टर ले सकते हो, कंसीलर ले सकते हो, भी HD प्रोडक्ट मिल जाएंगे आसानी से। यहाँ पर मैं दिखाऊंगी आपको पैक फाउंडेशन से, आप मेरी स्किन टोन तो देख ही रहे हैं, विटी स्किन टोन है और मेरे यहाँ आईज एरिया के पास थोड़े से निशान है और फोरहेड एरिया भी टैनिंग है और आईज भी थोड़ी डार्क है। तो मैं जो भी है हमारी एज के अकॉर्डिंग, जैसे कि मेरी एज 40 है तो हमारी फाइन लाइन्स हो जाती है, पिगमेंटेशन हो जाती है। और यहाँ पर देखेंगे मैं कोई कलर कैरेक्टर या कंसील का यूज़ नहीं कर रही हूँ, कंसीलर का, मैं सिर्फ एक फाउंडेशन से ही ये सब कवर कर लूँगी, क्योंकि हाई कवरेज देगी हमें हमारी HD फाउंडेशन। ये बहुत हमारी स्किन की जो भी प्रॉब्लम होती है, ओपन पोज होती है, उनको बहुत अच्छे तरीके से कवर करता है। हमारी ब्लैमिश होती है, पिगमेंटेशन होती है, बहुत अच्छे तरीके से हाई कवरेज देके हमारी सारी स्किन की प्रॉब्लम को कवर कर देता है जो भी होती है, और नेचुरल जो स्किन की क्लियरिटी होती है जो हमारी पहले हुई होती है उसी को उभार के लाता है और बहुत अच्छा मेकअप का लुक देता है ये हमें। तो ये होता है HD में। और नॉर्मल में आपने देखा होगा काफ़ी हमें कंसील करना पड़ता है, बेस लगाना पड़ता है, उसको काफ़ी ब्लेंड भी करना पड़ता है, बट HD में हमें ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना पड़ता, एक फाउंडेशन ही है। आप इसे चाहेंगे तो क्रायलॉन में माइक्रो फाउंडेशन HD ले लेंगे, या PSC का ले लेंगे, या मैक में ले लेंगे, सभी में आपको HD प्रोडक्ट मिल जाएंगे। और ये आप देख सकते हो मैंने थोड़ी सी फाउंडेशन ही लगाई है, फुल कवरेज देगी हमें, बिल्कुल हाई कवरेज जिसे हम कहेंगे। और अगर आपकी एज 30 है, 30 प्लस है, तो आप HD फाउंडेशन ले सकते हैं, हमारी फाइन लाइन्स को भी कवर करेगी, हमारी प्रॉब्लम को भी कवर करेगी। तो आपको ये नहीं है कि पहले ये लगाएं बाद में ये लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक फाउंडेशन ही हमारा इतना अच्छा काम कर देगी जो कि आपको ज़्यादा झंझट भी नहीं करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो मैंने एक तरफ थोड़ी सी फाउंडेशन ही लगाई और बहुत कम क्वांटिटी में, आपने मेरे हाथ पर देखा भी होगा मैंने थोड़ी सी निकाली, उसमें से भी बचा दी है, बहुत कम क्वांटिटी में लगाई है। और आप चाहेंगे इससे ब्राइडल को लुक देना तो आप थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाकर देंगे और साथ में कलर कैरेक्टर HD के और कंसीलर यूज़ करेंगे तो बहुत हाई कवरेज देगी हमारे मेकअप को और बहुत अच्छे तरीके से दिखाएगा ये हमारे मेकअप को, एकदम क्लियरिटी से जैसा कि हम देखते हैं। और यहाँ पर मैंने मेकअप कर लिया है पूरा का पूरा, आप देख रहे हो, और ये लिप शेड स्टे क्यूर्की का है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, और इस साइड में बिल्कुल एक मिनट के अंदर आपको मेकअप करके दिखाऊंगी। ये हाइलाइटर फेसिस का है, अल्टाइन प्रो का, काफ़ी अच्छा लगेगा। आप पूरा मेकअप ऐसे करेंगे और आप ये देख सकते हो कितनी फाउंडेशन मैंने बचा दी थी और थोड़ी सी फाउंडेशन से मेरा ये लुक आया है। तो आप जान सकते हो कि नॉर्मल में और HD में क्या फ़र्क है, ये इधर देख लेंगे और आप उधर देखेंगे। कोई कंसीलिंग वगैरह नहीं किया है, कोई कलर कैरेक्टर नहीं लगाया है, फिर भी हमारी फाउंडेशन ने हमें हाई कवरेज दी है।
तो ये है एचडी का कमाल। और अब मैं दूसरी साइड आपको दो मिनट में लगा के दिखाऊंगी बिल्कुल जल्दी जल्दी और ब्रश के साथ। यहाँ मैंने ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ किया था तो यहाँ देख सकते हो इसी ब्रश के साथ लगाऊंगी मैं और बहुत कम क्वांटिटी में जो मेरे हाथ पे बचा हुआ था उसी से। और आप देख सकते हो कि मैं हमेशा कलर कैरेक्टर के साथ, जैसे कि मैं क्रायलॉन का सुप्रा यूज़ करती हूँ, मैं 303 लगाती हूँ, उसके बाद G165 लगाती हूँ, यहाँ जहाँ पर डार्क एरिया होता है तो ऑरेंज कलर कैरेक्टर का यूज़ भी करती हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता और फेस पे ग्लो भी आप देख लेंगे तो ये हमें HD देता है, हाई कवरेज, और काफ़ी अच्छा दिखाता है हमारे मेकअप का लुक। तो आपको समझ आ गया होगा HD मेकअप में क्या फ़र्क है और नॉर्मल में क्या फ़र्क है। यहाँ पर भी आप पूरे फेस का लुक देख लेंगे, आप कितना शाइन कर रहा है फेस और कितना अच्छा है। और दो मिनट भी नहीं लगते बेस बनाने में हमें फाउंडेशन से, और ज़्यादा ब्लेंडिंग भी नहीं करनी पड़ती। यहाँ पर कॉन्ट्यूर कर लेंगे, मेरा फेस थोड़ा ब्रॉड है तो पाउडर कॉन्ट्यूर यूज़ कर रही हूँ, चाहेंगे तो कॉन्ट्यूर भी आप HD ले लेंगे, आई शेडो भी HD ले लेंगे, जो भी प्रोडक्ट आप लेना चाहें आप HD ले सकते हैं। HD की रेंज थोड़ी कॉस्टली होती है तो उसी के अकॉर्डिंग हम चार्ज भी करते हैं HD मेकअप का। तो ये है ऑल ओवर लुक मेरा और आपको समझ आ गया होगा HD मेकअप। आप अगर HD ब्राइडल ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं मेरा क्या हुआ तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा तो आप वहाँ चेक कर सकते हैं। और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ढेर सारे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।